अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर चाइना ताइवान वार इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं ताइवान का। ताइवान जो कि एक जज़ीरा है साउथ ईस्ट चाइना के तकरीबन 100 मील के फासले पे जो है ना ये मौजूद है। इसको फर्स्ट आइलैंड चेन का नाम भी दिया जाता है। ये आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। रेड कलर के अंदर बड़ा सा पोर्शन ये आप देखें चाइना का है और उसके साथ जो है ना मतलब साउथ ईस्ट की साइड पे आप देखें ताइवान जो है ना वो मौजूद है। एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि अगर चाइना ताइवान पे कंट्रोल कर लेता है तो ये फिर पैसिफिक रीजन पे जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन चाइना ने इसको जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया। चाइना कहता है कि हमारा मकसद बस ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना है। क्यों? क्योंकि ताइवान जो है ना ये हमारा सूबा है, ये अलहदा मुल्क नहीं है, ये हमारा पहले सूबा था और सूबा रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या बिल्कुल चाइना के अंडर था ताइवान? तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि 17वीं सदी के अंदर जो ताइवान था ये चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। 1895 के अंदर ये जापान के अंडर चला गया और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार टू में चाइना ने दोबारा जो है ना इस पर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद सिविल वार जो है ना वो वहाँ पे चाइना के अंदर हुई, जिसके नतीजे में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने चाइना पे अपना कंट्रोल दबाया और एक दूसरी पार्टी जो चाइना से फरार हुई उसने जो है ना ताइवान के अंदर जो है ना डेरा जमाया और वहाँ पे जो है ना उसने कब्ज़ा किया, अपनी हुकूमत जो है ना उसने चलाई। चेंग के शेक पार्टी का नाम था, ठीक हो गया। और बहुत दिहाइयों तक जो है ना उसने अपना जो है ना वो रोक दबदबा जमाए रखा। 13 मुल्क हैं जो ताइवान को एक सोवरेन कंट्री का दर्जा देते हैं। इससे हटके चाइना जो है ना मुल्कों को प्रेशर देता है कि आप इसको खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा ना दें। कौन कौन से मुल्क इसके डिप्लोमेटिक पार्टनर्स हैं ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इतना ताइवान क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर के अंदर के जो ताइवान की इकोनॉमी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम है। आज के दौर में आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लेते हैं, मिसाल तौर पे लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गए, उन पे जो है ना लिखा होता है कि मेड इन ताइवान, मतलब कि ताइवान जो है ना इकोनॉमिकली जो है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका जो है ना इसका साथ जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा है। और अमेरिका ने जो है ना कहा है कि जो है ना हम भरपूर मदद करेंगे इसकी कि ये जो है ना अपना दर्जा एक अलहदा मुल्क का बना जाए। तो हाल ही में 2 अगस्त को मंगल वाले दिन हाउस स्पीकर अमेरिका की नैन्सी पेलोसी वो ताइवान का जो दारुलहुकूमत है उसके अंदर वो एंटर हुई है और इस मामले पे जो है ना वो डिस्कशन चल रही है। चाइना ने इस एंट्री पे नैन्सी पेलोसी के आने पर चाइना का क्या रद्दअमल है, अमेरिका क्या चाहता है और ताइवान के साथ कौन कौन से मुल्क हैं ये डिस्क्राइब करूंगा, ये बयान करूंगा अगली वीडियो के अंदर। आज की ये वीडियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने आपको इस वजह से बताया था कि आपको इसका मेन उनवान का पता चल जाए। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इंशाल्लाह दो में याद रखिएगा। डियर व्यूअर्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।